आज मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये क्या कर दिया मेरे साथ। मुझे आप में कितनी श्रद्धा थी, उनके साथ क्यों कुछ गलत नहीं होता जो बुरा करते हैं। मेरे जैसे आम आदमी को ही परेशान कर सकते हो आप। मैंने सालों पहले एक सीख दी थी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुम जो भी हो या तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैं और मेरा दिया हुआ हर संदेश तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तुम विस्तार से मुझे बता, तुम्हारा सवाल क्या है। मैंने भी भगवत गीता का अभ्यास किया है। मैं भी यही मानता था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। मगर फिर भी आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा मेरा भाई मर गया, वो भी सिर्फ 22 साल की उम्र में। तुमने गीता को सुना तो है लेकिन समझा नहीं क्या है कर्म। तुम कर्म का क्या मतलब समझते हो? ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम किसे दोषी मानते हो? मैं आपको दोषी मानता हूं, आपकी कर्म की सीख को दोषी मानता हूं। मैंने और मेरे परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सच बोला, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, गौ माता को रोटी दी, सभी तो अच्छे कर्म किए थे हमने, उसका तो अच्छा फल मिलना चाहिए ना। लेकिन क्या मिला? ना मुझे नौकरी मिली, ना मेरा भाई बीमारी से बच पाया, और ना ही आज हम सुखी हो पाए। ये कर्म नहीं है, कर्म का मतलब है क्रिया। आने वाले वक्त में तुम क्या काम करते हो या फिर किसी एक परिस्थिति में तुम क्या निर्णय लेते हो, ये कर्म है। सही निर्णय तो सही कर्म, और सही कर्म तो सही फल। ये बात मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। अगर तुम्हारे भाई को कोई बीमारी थी तो तुम्हें मेरे पास आने की जगह वैद्य के पास जाना चाहिए था, जो जानता है कि उस बीमारी को कैसे ठीक करें। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए थी तो मेहनत करनी चाहिए, योग्य विद्या प्राप्त करनी चाहिए, ना कि मंदिरों में सेवा। और ये सब होने पर तुम सुखी भी होते। मतलब मैंने आप में विश्वास करके गलत किया, और जो मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे उसका क्या? और अगर मैं मंदिर नहीं आऊंगा तो उम्मीद किससे करूं? अगर मेरा आज अच्छा नहीं है तो कल हो जाएगा। गलत किया, गलत किया है समझकर कि मैं किसी एक जगह हूं। मैं सब में हूं और सब मिलकर भी मुझ में ही संभालते हैं। उम्मीद मुझ में रखो, लेकिन मैं तो तुम में भी हूं, इसलिए उम्मीद खुद में रखो और कर
कर्म को अच्छे से समझो। कर्म का मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ अच्छे कार्य किए तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कर्म का मतलब ये है कि तुम आज जो काम कर रहे हो उस पर तुम्हारा आने वाला कल निर्भर करता है। मैं समझ रहा हूं कि गीता को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसका सही अर्थ समझना।